हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल इन 10 डे रिवीजन क्लासेस फॉर इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट। आज के इस वीडियो के पार्ट वन में हम लोग देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बट उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ, इंटरनेट किसका सिस्टम है? तो इंटरनेट जो होता है वो होता है आपके बहुत सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। नेक्स्ट है इंटरनेट अलाउज टू, इंटरनेट क्या अलाउ करता है? सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्यू वेब पेजेस, कनेक्ट टू द सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो ये सारी फैसिलिटी आपके इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज, कौन से स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है इंटरनेट के ऊपर? वो यूज किया जाता है TCP/IP प्रोटोकॉल का, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है विच इज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया प्रोवाइडिंग द ई साइन सर्विसेज, ई साइन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला कौन सा स्टेट है? तो वो है आपका राजस्थान, जिसके अंदर CCA जो कि आपकी कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, उसने राजस्थान की किसी एक कंपनी को ये अथॉरिटी दी थी कि वो अपने सिटीजन्स को और दूसरे स्टेट्स को ई साइन की सर्विसेज अवेलेबल करवा सकता है। तो नेक्स्ट है विच कंपनी इज बीइंग डिक्लेयर्ड एज सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो जब राजस्थान के अंदर सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिक्लेयर किया गया तो उसमें कौन सी कंपनी को ये डिक्लेरेशन मिला था? तो ये डिक्लेयर किया गया था राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, जिसको हम लोग RISL भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ ई नेम, ई नेम का फुल फॉर्म क्या था? ई नेम का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इस पोर्टल का यूज किया गया था ताकि स्टेट लेवल पे जितनी भी कृषि मंडियां हैं उन सबको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किया जा सके, ताकि किसान दूसरे स्टेट की जो प्राइसेस है उनसे अपनी प्राइसेस को कंपेयर कर सकता है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ APMC, APMC की फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, जो कि आपके कृषि मंडियों को बोला गया है क्योंकि वो एक तरीके से मंच प्रोवाइड करती है किसानों को, जिस पर वो अपने प्रोडक्ट्स को जाकर के बेच सकते हैं। नेक्स्ट है विच पोर्टल कैन बी यूज टू गेट द डॉक्यूमेंट ऑफ प्लानिंग ऑर्डर्स एंड डिसीजन ऑफ कैबिनेट मीटिंग ऑनलाइन, कैबिनेट मीटिंग में जो भी आपके डिसीजंस हुए हैं, जो भी ऑर्डर्स निकाले गए हैं, उनको ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल करवाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो उसके लिए आपका जन कल्याण पोर्टल लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च पब्लिक वेलफेयर पोर्टल और जन कल्याण पोर्टल टू कंसोलिडेट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट स्कीम, स्टेट स्कीम्स को अवेलेबल करवाने के लिए जो जन कल्याण पोर्टल स्टार्ट किया गया था वो कहाँ स्टार्ट किया गया था? वो राजस्थान के अंदर स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है हु लॉन्च्ड वन स्टॉप शॉप फैसिलिटी टू मेक अवेलेबल ओवर 100 टाइप्स ऑफ क्लीयरेंसेस एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर्स। जब कोई भी इन्वेस्टर अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके बहुत सारे क्लीयरेंसेस चाहिए होते हैं, तो उन क्लीयरेंसेस को एक साथ अप्लाई करने के लिए वन स्टॉप शॉप फैसिलिटी स्टार्ट की थी, और उसको लॉन्च किसने किया था? उसको लॉन्च किया था अशोक गहलोत ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है राजकौशल पोर्टल इज एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर, राजकौशल पोर्टल स्टार्ट किया था राजस्थान लेबर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत, और इसके अंदर उद्देश्य ये था कि जो लोग कोविड में अपने घरों पे वापस आ चुके हैं, जो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, उनको वापस से एम्प्लॉयमेंट दिलवाना। नेक्स्ट है व्हेन चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इनॉग्रेटेड द राजकौशल पोर्टल, राजकौशल पोर्टल को कब इनॉग्रेट किया गया था? 6 जून 2020 को इसको इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट है हु कैन रजिस्टर ऑन राजकौशल पोर्टल, उस पर कौन लोग रजिस्टर कर पाते थे? तो राजकौशल पोर्टल पे लेबरर्स, इंडस्ट्रीज और बोथ A और B, तो इसमें आंसर आ जाएगा A और B, क्योंकि लेबर्स भी अपनी जो स्किल्स है उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, और एम्प्लॉयर्स जिस तरीके के एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती थी उस डेटा के साथ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते थे। नेक्स्ट है राजस्थान गवर्नमेंट स्टार्टेड विच ऑनलाइन पोर्टल टू प्रमोट द लाइवलीहुड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने कौन सा पोर्टल चालू किया था? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने चालू किया था राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल, जिसमें जो छोटे जो उद्योग थे, मतलब जो स्मॉल जो बिजनेसेस थे, उनको प्रमोट किया गया है। नेक्स्ट है इन MSME वेब पोर्टल, MSME स्टैंड्स फॉर,
एमएसएमई जो वेब पोर्टल है, ये आपका राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल को ही कहा गया है, जिसका उद्देश्य था कि माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको हेल्प की जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, व्हेन वॉज राज उद्योग मित्र पोर्टल वॉज लॉन्च्ड, तो राज उद्योग मित्र पोर्टल कब स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था जून 2019 के अंदर। नेक्स्ट है सीसीटीएनएस स्टैंड्स फॉर, तो सीसीटीएनएस है क्राइम एंड क्रिटिकल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसके अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन है स्टेट लेवल पे और इंडिया लेवल पे, उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट किया गया इंटरनेट के थ्रू, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट को हेल्प करता है कि वो अपने डेटा को ऑनलाइन अवेलेबल करवा सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड को फैच करने के लिए। नेक्स्ट है, इन विच सिटीज ऑफ राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट टूवर्ड्स मेकिंग एफआईआर एंड पुलिस डेटा ऑनलाइन, पुलिस के डेटा को ऑनलाइन अवेलेबल करवाने के लिए सीसीटीएनएस ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था राजस्थान में, वो कौन सी सिटीज में लॉन्च किया था, वो लॉन्च किया था जयपुर और जोधपुर सिटी के अंदर। नेक्स्ट है, विच मोबाइल एप्लीकेशन वॉज लॉन्च्ड इन सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट टू हेल्प द कम्यूटर्स इंटर स्टेट ट्रेवलर्स डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट, तो सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के तहत जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था वो था आपका लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट है, विच ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीम वॉज स्टार्टेड टू कनेक्ट फार्मर्स विद बायर्स टू एंश्योर फेयर प्राइसेस फॉर काउ डंग एंड द क्रॉप रिजल्ट्स, तो ये कौन सी ऑनलाइन फैसिलिटी थी जिसके थ्रू जो आपके फार्मर्स थे उनको काउ डंग की सही प्राइसेस मिली थी, तो वो हुई थी आपकी गोवर्धन स्कीम, जिसका अल्टीमेट गोल था कि क्लीनलीनेस बढ़े और आपकी वेल्थ और एनर्जी को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है, इन विच ईयर गोवर्धन योजना वॉज अनाउंस फॉर सिटीजन्स, गोवर्धन योजना सिटीजन्स के लिए कब लॉन्च की गई थी, कब अनाउंस की गई थी, ये 2018 में अनाउंस की गई थी। नेक्स्ट है, द एक्रोनिम फॉर द गोवर्धन का एक्रोनिम क्या था, ये था गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस। नेक्स्ट है, इन विच ईयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर गोवर्धन स्कीम वर अवेलेबल, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गोवर्धन स्कीम का कब किया गया था, ये 2021 के अंदर स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज कू एप्लीकेशन, कू एप्लीकेशन क्या है, तो ये एक तरीके से सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसपे ब्लॉग्स की शेयरिंग की जाती है, इसमें हर तरीके के ब्लॉग्स को आप शेयर कर सकते हो। ये जनरली अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये इंडिया का एप्लीकेशन है जिसको आप अपनी ब्लॉगिंग साइट की जैसे यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सी। नेक्स्ट है, को एप्लीकेशन इज ऑल्टरनेटिव ऑफ विच सोशल साइट, कौन सी सोशल साइट का को एप्लीकेशन एज एन ऑल्टरनेटिव है, तो ये आपके ट्विटर अकाउंट का ऑल्टरनेटिव है। नेक्स्ट है, विच काइंड ऑफ द पोस्ट कैन बी शेयर्ड ऑन द को एप्लीकेशन, को एप्लीकेशन पे किस तरीके की पोस्ट की शेयरिंग की जा सकती थी, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट और ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे हर तरीके की पोस्ट की शेयर किया जा सकता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये जो को एप्लीकेशन थी उसको रिकॉग्निशन कब मिला था, जब इसने आत्मनिर्भर एप इनोवेशन चैलेंज अगस्त 2020 जीता था, और जो ये एप्लीकेशन है ये हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु आसामी मराठी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और फ्यूचर के अंदर ये और दूसरी जो लैंग्वेजेस है लाइक बंगाली गुजराती कश्मीरी कोंकणी मलयालमी मेतई और नेपाली उड़िया पंजाबी संस्कृति उर्दू, इन भाषाओं में भी अवेलेबल होने वाला है। नेक्स्ट है, विच प्री इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था संदेश, जो कि आपके एंड्रॉयड फोन्स पे और आपके आईफोन्स पे और आपके वेब ब्राउजर पे अवेलेबल था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कंपनीज हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 फॉर सक्सेसफुल कमर्शलाइजेशन ऑफ इनोवेटिव इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 में कितनी कंपनियों का सिलेक्शन किया गया था, इसमें 12 कंपनियों का सिलेक्शन किया गया था। नेक्स्ट है, अवार्ड्स आर कन्फर्ड बाय विच बोर्ड टू प्रमोट द इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर अवार्ड्स किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं।
नेक्स्ट है, अंडर विच कैटेगरी ऑफ टीडीबी सीक्स एप्लीकेशन फॉर प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करवाने के लिए टीडीबी जो बोर्ड है वो कौन किस तरीके की कैटेगरीज को इंक्लूड करता है? तो ये इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज, एमएसएमई टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप कंपनीज को इंक्लूड करता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच कंपनी गॉट ए प्लेस इन नेशनल अवार्ड 2020 फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान की कौन सी कंपनी को आपके नेशनल अवार्ड 2020 में इंक्लूड किया गया था? तो ये इंक्लूड किया गया था डी, नुएंद्र इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। नेक्स्ट है, नेवा प्रोजेक्ट क्या था? तो नेवा प्रोजेक्ट था नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसका उद्देश्य था वन नेशन वन एप्लीकेशन। मतलब पूरे राष्ट्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी आपके सर्कुलर्स थे, वो ऑनलाइन अवेलेबल करवाए जाए इस पोर्टल के थ्रू, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने डेटा को शेयर कर पाए और वो पब्लिकली अवेलेबल हो पाए। नेक्स्ट था, फर्स्ट स्टेट विच बिकेम इंडिया फर्स्ट स्टेट टू हैव ए हाईटेक लेजिस्लेटिव असेंबली विद ई विधान। ई विधान को यूज करने वाला पहला स्टेट कौन सा था? तो वो था आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट था, राजस्थान संपर्क पोर्टल। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल को सीएम अशोक गहलोत ने 2021 के अंदर लॉन्च किया था और उसका उद्देश्य था कि सिटीजन्स अपनी कंप्लेन को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर पाए। नेक्स्ट था, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द संकल्प से सिद्धि योजना, और इस संकल्प से सिद्धि योजना के अंदर जो विलेजेस थे उनको डिजिटली कनेक्ट किया गया था। नेक्स्ट है, डिजिटल म्यूजियम। तो डिजिटल म्यूजियम के अंदर जितने भी हिस्टोरिकल कलेक्शंस थे उनको प्रिजर्व किया गया और उनको डिस्प्ले किया गया डिजिटल फॉर्मेट के अंदर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर फ्लाइंग रोबोट। फ्लाइंग रोबोट किसके लिए यूज किया गया है? फ्लाइंग रोबोट यूज किया गया है ड्रोन्स के लिए। नेक्स्ट है, ए मोबाइल कॉमर्स स्ट्रेटजी दैट फोकसेस ऑन डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द ई कॉमर्स वेबसाइट्स एंड रिलेटेड प्रोसेसेस टू इम्प्रूव द ब्राउजिंग एंड शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑन द टैबलेट डिवाइसेस। वो कौन सा मोबाइल कॉमर्स स्ट्रेटजी है जिसको स्पेशली टैबलेट डिवाइसेस के लिए लॉन्च किया गया, जिसका यूज किया गया ताकि वो शॉपिंग जो साइट्स हैं वो आपके टैबलेट्स पे अवेलेबल हो? तो वो थी आपकी टैबलेट कॉमर्स। नेक्स्ट है, एक्टिविटी ट्रैकर्स आर डिवाइसेस दैट मॉनिटर फिटनेस एक्टिविटीज सच एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन रन, कैलोरीज कंज्यूम्ड ईटीसी टू चेक योर फिटनेस लेवल्स। दे आर एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी। आपके फिटनेस के ट्रैक करने के लिए, आपके हार्ट बीट को ट्रैक करने के लिए, आपने कितनी कैलोरी कंज्यूम की है, इन सब के ट्रैकिंग करने की जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी है वियरेबल टेक्नोलॉजी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप स्मार्ट वॉचेस का यूज कर रहे हैं। अभी आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होने वाले डेवलपमेंट के बारे में और जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, यदि आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।